हम तुम्हारे रस्ते से हटने को तैयार है, वी सरेंडर। ये क्यों बकवास कर रहे हो रे? बेमार, अगर तूफान के सामने चिल्लाओगे तो खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देगी, इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। श्वेत हीरे को जब तिम्नासा के हीरे के साथ जोड़ा जाएगा तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा और किसी महाशक्तिशाली का बलिदान ही उस विस्फोट को रोक सकता है। आपका मतलब दीपू भैया वामन ग्रह पर अपनी जान देने गए? नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं भैया को ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर किसी की लाइफ सैक्रिफाइस होनी चाहिए तो वो मेरी लाइफ है। नहीं विवान, विवान! अगर तुम दोनों समर्पण कर रहे हो तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना। शव आलवीर, मैंने कभी सोचा नहीं था रे कि तुम गद्दारी करोगे। ओह कम ऑन बेमा, गद्दारी? गद्दारी तो वो है जो तिम्नासा हमारे साथ करती है। हम उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं, लेकिन वो मैं एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। क्या यही सब करने के लिए तुम्हें जिंदा किया था? लेकिन अगर बालवीर तिम्नासा को नहीं मार पाया तो ब्रह्मांड हमें छुपने के लिए कम पड़ जाएगा। जिनके दिल में फायर और दिमाग में एम्बिशन होता है उन्हें छिपने की जरूरत नहीं पड़ती बायमार। और वैसे भी कब तक हम तिम्नासा की साइडकिक बनकर रहेंगे? विवान, पार्टनर, पार्टनर गाओ आप, पार्टनर, बालवीर, पार्टनर, बालवीर, बालपरी, पार्टनर कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? बालवीर की ऊर्जा को तलाशने की कोशिश करते हैं। पार्टनर, बालवीर की ऊर्जा पूरे वामन ग्रह में कहीं पे भी नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि उसने अपने आप को किसी इनविजिबल शीट से कवर कर लिया ताकि हम लोग उसे ढूंढ ना पाए। पार्टनर, पार्टनर, पार्टनर कहाँ हो आप? पार्टनर प्लीज हमें आपकी हेल्प करने दो। धरती, आकाश और पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बचाने के लिए केवल 7 मिनट है मेरे पास। तुम यहां क्या करने आ गए बालवीर? तुम तो वैसे भी थोड़ी देर में मरने वाले हो। मैं मरने नहीं, तुम्हें मारने आया हूं तिम्नासा। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो इस लाल हीरे के कवच को अगले 7 मिनट में पार करके मेरे पास आकर दिखाओ बालवीर। लाल हीरे की शक्ति तो तुमने पूरे ब्रह्मांड को दिखा दी, अब इस श्वेत हीरे की शक्ति देखने का समय आ गया है। लगता है पार्टनर ने अपने आप को अदृश्य कवच से छुपा लिया, लेकिन शायद वो भूल गए कि हम दोनों बालवीर हैं और इस वीरचंद से जुड़े हुए हैं। हम ये वीरचंद बताएगा कि देवू भैया कहाँ है।
तुम्हें पता चल जाएगा बालवीर कि अच्छाई के पंख मोम के बने होते हैं, जो बुराई की गर्मी कभी नहीं झेल सकते। अगर मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है तो तिम्नासा के हाथों से मुझे वो हीरा किसी भी हाल में निकालना होगा। बालवीर को रोकने के लिए इसके कवच से वो श्वेत हीरा निकालना होगा, नहीं तो अगले 7 मिनट में बहुत कुछ कर सकता है। यस, मिल गई बाटर की लोकेशन। अपनी जीत से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर हूं मैं अब। रुक जाइए देवू भैया, अगर धरती को बचाने के लिए किसी का बलिदान होगा तो मेरा, आपका नहीं। वो उसमें अभिमान और वो दोनों हीरे मुझे दे दो। नहीं, अच्छाई की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि अब धरती का अंत होने में केवल 55 सेकंड्स बाकी रह गए हैं। बालवीर, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी।
और मैं अच्छाई को कभी हारने नहीं दूंगा। बालवीर ने धरती को और पूरी सृष्टि को सर्वनाश से बचा लिया है और अब सब कुछ वापस सामान्य हो चुका है। शौर्य, कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। धरती तो बच गई, लेकिन धरती को बचाने के लिए पार्टनर ने अपनी लाइफ दे दी। हाँ। शौर्य प्लीज, पार्टनर को वापस लाने का कोई तरीका निकालिए। अब बालवीर को वापस नहीं लाया जा सकता। क्यों वापस नहीं लाया जा सकता? शौर्य प्लीज, आप वो योग यंत्र का इस्तेमाल करके समय को पीछे ले लीजिए। हाँ शौर्य, ताकि हम टाइम में पीछे जाकर बालवीर को सेव कर सकें। ये संभव नहीं है। शौर्य, ये संभव क्यों नहीं है? ये हम पहले भी कर चुके हैं, फिर अभी क्यों नहीं? क्योंकि लाल और श्वेत हीरे के भयानक विस्फोट में बालवीर और तिन्नासा दोनों की आत्मा तक नष्ट हो चुकी है। अब उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। बालवीर ने एक योद्धा की तरह वीर गति प्राप्त की है, इसलिए हम उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई देंगे। We'll be right back.
ओ साइंस टीचर जी, आपने देखा है कभी बालवीर को? बालवीर से ही पूछ रहे हो कि उसने बालवीर को देखा है कि नहीं? वीर तिलक के लिए तैयार हो? मैया, बालवीर अब परम शक्ति के प्रकाश में विलीन हो चुका है और वो हमेशा इसी तरह एक तारा बनकर हम पर और धरती पर चमकता रहेगा। विवान, अब तुम्हारे कंधों पर दो बालवीरों की जिम्मेदारी आ चुकी है। क्या तुम इस दुख को सहते हुए अपने कर्तव्य की शपथ लेने के लिए तैयार हो? इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मैं शपथ लेता हूँ, जिस तरह पाटिल ने मानवता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी तरह मैं भी अच्छाई के रास्ते पे चलने से कभी नहीं हिचकिचाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बालवीर को बलिदान देने से रोक नहीं पाई। लेकिन आपको तो पता होगा कि बालवीर को ना रोक पाने का दुष्परिणाम कितना भयानक होगा। शौर्य, बालवीर ने अपनी जान देकर तिमनासा का अंत तो कर दिया, लेकिन सृष्टि का एक नियम है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। बालवीर की मृत्यु की प्रतिक्रिया इतनी भयंकर होगी कि जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव है। बालवीर की मौत के बाद अच्छाई की नींव कमजोर पड़ चुकी है, जिसका प्रभाव केवल हमारे ब्रह्मांड पर ही नहीं बल्कि सृष्टि के सातों ब्रह्मांड तक जाएगा। जैसे समुद्र में तूफान की लहर उठती है तो उसकी चपेट में बड़े से बड़ा जहाज भी डूब जाता है, वैसे ही बालवीर के जाने के बाद बुराई के सागर में तबाही की एक लहर उठने वाली है। और इसीलिए आप तुरंत सातों ब्रह्मांड में सूचना पहुंचा दीजिए कि वो सब आने वाले विनाश और आतंक के महासमर के लिए तैयार हो जाएं। जी शौर्य। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.